और बड़ी खबर आ रही है दक्षिण गाजा से, जहां पर इस वक्त बहुत भारी लड़ाई छिड़ गई है। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार ने दावा किया कि शनिवार के दिन ही इसराइल के 10 सैनिक मार दिए गए। तो गाजा के अभेद्य किले में इसराइल के सैनिक अपनी जान झोंक दे रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के लिए लड़ाई इससे भी ज्यादा बड़ी है। दरअसल उनको दोबारा राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए हमास के बड़े नेताओं को जिंदा पकड़ना होगा, और इसके लिए अब इसराइल ने अपनी डॉग यूनिट को भी तैयार कर लिया है। इसराइल की ये खतरनाक यूनिट किसी भी वक्त सिनवार का पता लगाकर उसे कैद करवा सकती है। सिनवार को पकड़ेगा इजराइल का सबसे खूंखार जासूस। इजराइल ने हमास की सुरंग में छोड़ दी है अपनी सबसे बेहतरीन डॉग यूनिट। हर एक डॉग के निशाने पर है हमास के आतंकी। इन सभी के टारगेट पर है इजराइल का नंबर वन दुश्मन या सेवा। ये है इसराइल की सबसे खतरनाक डॉग यूनिट K9। ये डॉग यूनिट कमांडरों की तरह युद्ध में भाग लेती है, सेना के जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं। IDF के मुताबिक OKEDS यानी K9 यूनिट्स के डॉग्स गाजा में पूरी तरह से सक्रिय हैं। वहां विस्फोटकों का पता लगाने में इजरायली फोर्स की मदद कर रहे हैं। इजरायल की सेना ने हमास की सुरंग का एक और वीडियो जारी किया है। ये वीडियो गाजा के दक्षिण इलाके का बताया जा रहा है। सुरंग की तलाश में इजरायल की सेना अपनी स्पेशल K9 डॉग यूनिट को लगा रखा है। वीडियो में नजर आ रहे इस खोजी कुत्ते पर कैमरा लगाया गया है और ये सुरंग में हमास के लड़ाकों की तलाश कर रहा है। 1:44 के इस वीडियो में सबसे पहले दिख रहा है कि इजराइल की K9 यूनिट का डॉग एक सुरंग में घुसता है। सुरंग के रास्ते में एक जगह पर कुछ बोरियां रखी गई हैं। ऐसा इसलिए कि अगर दुश्मन अंदर आने की कोशिश करे तो इसे पार करने में थोड़ी मुश्किल होगी, और इस दौरान हमास के लड़ाके उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। डॉग के आगे बढ़ने पर सुरंग में एक तरफ इलेक्ट्रिक बॉक्स नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा लगा है। इस तरह के दरवाजे सुरंगों में इसलिए लगाए जाते हैं कि हमला होने पर इसे बंद कर दिया जाए और दूसरी तरफ बैठे लोग महफूज रह सके। दरवाजे की दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों ने बाकायदा छिपने के लिए एक जगह तैयार कर रखी है। सुरंग में छिपने की एक दूसरी जगह भी है। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि या तो यहाँ पर हमला हुआ है या फिर हमास के लड़ाके खुद ही इस जगह को बर्बाद करके यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि शायद हमास के लड़ाकों को ये पता चल गया था कि उनके इस ठिकाने पर IDF की नजर पड़ चुकी है और उनका अटैक कभी भी यहाँ पर हो सकता है। सुरंग के अंदर रहने के पूरे इंतजाम थे, खाने पीने की भी पूरी सुविधा थी। ये देखिए, सुरंग के बाहर पानी की 4 टंकियां रखी है। पाइप के जरिए पानी की सप्लाई सुरंग में की गई है। ऑपरेशन के दौरान इजराइल फोर्स को एक और ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा मिला, जिसमें दुश्मनों पर गोलियां बरसाने के लिए एक होल भी है। वीडियो को देखकर लगता है कि इसमें 2 अंडरग्राउंड फ्लोर हैं। इस वक्त इजराइल बहुत शिद्दत से याया सिनवार की तलाश कर रहा है। इसी सिलसिले में हर जगह ऑपरेशन चला रहा है, क्योंकि इजराइल में हुए कत्लेआम के लिए नेतन्याहू का देश याया सिनवार को ही दोषी मानता है। याया सिनवार अब इजराइल के सिर पर चढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा की गलियों में जो युद्ध अब तक हुआ है उस पर याया सिनवार की छाप पड़ी हुई है। हमास का एक एक हमला याया सिनवार की सरपरस्ती में हो रहा है। ये बात इजराइल की फोर्स बहुत अच्छी तरह जानती है।
नेतन्याहू ये कई बार कह चुके हैं कि हमास को खत्म करने के लिए उनके एजेंडे से उन्हें कोई नहीं टिका सकता है। वो पहले ही बता चुके हैं कि इसराइल पर हमला करने वालों को वो चुन चुन कर मारेंगे, हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। नेतन्याहू को जब से पता चला है कि याया सिनवार सुरंगों में घूम रहा है और बंधकों से मुलाकात करके उनसे सीधी बात कर रहा है, तब से नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ गई है। इसका मतलब साफ है कि याया सिनवार जिंदा है, याया सिनवार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है। याया सिनवार बता रहा है कि इसराइल का एक एक बंधक उसके रहमो करम पर जिंदा है। यही बात इसराइल को बहुत परेशान कर रही है। सिनवार के ऑर्डर पर हमास कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। सिनवार की बहुत ही खास स्ट्रेटजी है जिसके आगे अभी तक इसराइल नाकाम ही साबित हुआ है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इसराइल के 2 मकसद। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसके लिए इसराइल को सीज फायर करना पड़ा, यानी उसका युद्ध और बमबारी काम नहीं आया, वो फेल हो गया। दूसरा मकसद, इसराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें इसराइल फेल ही साबित हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि याया सिनवार ही 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड है। उसी ने साजिश रची, उसी ने टारगेट चुना और अब वही गाजा से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये बात नेतन्याहू भी अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी सेना भी। यही वजह है कि गाजा में इस वक्त IDF याया सिनवार की तलाश में ऑपरेशन चला रही है। हालांकि इसराइल के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला। उसके पास चाहे जितने बंकर बस्टर बम हो, चाहे जितनी भी बेहतरीन डॉग यूनिट हो, लेकिन हमास की सुरंग भी ऐसी है जिसका नेटवर्क और जिनकी गहराई अब भी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। 18 दिसंबर को भी इसराइल की सेना ने एक सुरंग का वीडियो जारी किया था। ये सुरंग इसराइल और गाजा के बॉर्डर के पास पाई गई। 4 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का इस्तेमाल इसराइल पर हमले के लिए किया जा रहा था। इस सुरंग में याया सिनवार का भाई भी गाड़ी से जाते हुए दिखा था। यानी ये सुरंग इतनी बड़ी बनाई गई थी कि इससे कोई भी कार आसानी से गुजर सकती है। ये तस्वीरें भी उसी सुरंग की है जो हमास ने ही रिकॉर्ड की थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि इसराइल को घुसने से रोकने के लिए सुरंग में बम बारूद भी फिट किए गए थे। सुरंग के अंदर इस तरह के तमाम दरवाजे मौजूद थे जिन्हें खोला और बंद किया जा रहा था। सुरंग के अंदर भी कई गहरे रास्ते हैं जो हैरान करते हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हमास का हमलावर दस्ता सुरंग की मिट्टी को एक खास उपकरण से हटा रहा है। हमास की सुरंग में कई छोटी जेल जैसी चीज भी मिली है जिसमें ताला भी लगाया गया है। वीडियो बहुत आश्चर्यजनक है। आखिर किस तरह से एक आतंकवादी संगठन बहुत आसानी से सुरंग के निर्माण में लगा हुआ था। गाजा में ऐसी कितनी सुरंगें हैं कोई नहीं जानता। इसराइल की सेना को भी नहीं मालूम कि उनके देश को निशाना बनाने के लिए किस बड़े पैमाने पर हमास ने तैयारी कर रखी है। हर बार इसराइल की सेना जब तक सुरंग की तलाश कर पाती है तब तक हमास के लड़ाके वहां से निकल चुके होते हैं। इस बार भी यही दिखा है। इसराइल की सेना के हमास के ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही हमास के लड़ाके इस जगह को छोड़कर जा चुके थे। पहले भी कई बार IDF ने ऑपरेशन के दौरान हमास की सुरंगों में रेड की है, हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। ना ही उस ठिकाने पर याया सिनवार मिला और ना ही हमास का कोई लड़ाका।